गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन पिला माने आज ए शिक्षा संयोग कार्यक्रम को समस्त को स्वागत आमे परिमिति पढ़ाऊ आज परिमिति क्लास रो तृतीय दिवस आज आम पढ़ा वृत्तर चापर दैर्घ्य केमिति निर्णय करवा पूर्व क्लास रो तमे वृत्तर परिधि जानिथिलो तार सूत्र जानिथिलो आ सेई संबंधित केतक प्रश्नर समाधान मध्य जानिथिलो तेबे आमे आज से वृत्तर चापर दैर्घ्य केमिति निर्णय करवा से विषय रे बर्तमान आमे जानिबा। प्रथम कथा हला चाप कौन पिला माने एटा जदि गोटे वृत्त हला एटा हछि गोटे वृत्त ओ हला तार केन्द्र बिंदु ए बी ए वृत्त उपरिस्थ दुईटी बिंदु तेबे ए एक्स बी को आमे कहिबा गोटे चाप ताने चाप होचि वृत्तर किछि अंश चाप हला वृत्तर किछि अंश ताले ए एक्स बी एटा हछि वृत्तर गोटे चाप ताले ए चापर प्रांत बिंदु हला ए आउ बी प्रांत बिंदु हला ए आउ बी ताले बर्तमान आम ए बी को केन्द्र बिंदु ओ सहित जोग कले ओ ए ओ बी जो व्यासार्ध हला से व्यासार्ध केन्द्र रे गोटे कोण अंकन करूछि जो कोण को आम थीटा आकार चिन्हित करेछे ताले ए थीटाटा को आमे कहिबा ए चापर डिग्री परिमाप बा चापर केन्द्रस्थ कोण ताले ए चापर केन्द्रस्थ कोण रो परिमाण एठी आमे थीटा नेचे ताले ए जो चापर दैर्घ्य आमे केमिति निर्णय करिबा ताले प्रथमे आमे देखिबा क्षुद्र चाप बृहत चाप ये कोण एठी लक्ष्य कर पिले एठी ए एक्स बी जो चाप हला आमे ताकु ए भुली लिखि परबा ए एक्स बी ए भुली लिखि ऊपर ओटा ए भुली चिन्ह देले आकु हम बुझबा ए एक्स बी चाप एही चाप रो ए आउ बी हला दिटा प्रांत बिंदु एक्स ता रो मध्यवर्ती जे कोनसे एक बिंदु ताले एही चाप व्यतीत एपटे जो चापटा रहिला ता ना हबो ए वाई बी चाप ताले चाप संबंधित आहुरे अन्य कथा तमे पूर्व जामितिर अछि ताकु जानिबो मु खाली एथि कहि दउछि एठी ए एक्स बी चाप ए वाई बी चाप ये दुटा चापर समष्टि रे संपूर्ण वृत्तटि गठित तेणु आमे दुटा चाप को कहिबा परिपूरक चाप बा परस्पर विपरीत चाप बोली कहिबा ए एक्स बी चापर विपरीत चाप हबो ए वाई बी बा परिपूरक चाप तेबे ए चापर दैर्घ्यटा ए कोण उपर निर्भर करे कोणटा जो परिमाण हम ये चापटा से अनुसार सान कि बड़ हम बा क्षुद्र चाप हम बृहत चाप हम ताल जिते बड़े थीटार परिमाण लेस दैन 180 थीटा लेस दैन 180 हेले चापटे क्षुद्र चाप हम जदि थीटाटा ग्रेटर दैन 180 हुए ताले इम्प्लाई जे एटा चापटे हम बृहत चाप चापटे हम बृहत चाप जदि थीटा इज इक्वल टू 180 हुए ताले एटा हिजिव अर्ध वृत्त बा अर्ध चाप अर्ध चाप ताकु कहिबा बा अर्ध चाप का आगे आगुरु जानिछ सेटा कोनते अर्ध वृत्त अर्ध चाप बा अर्ध वृत्त। अच्छा जेतेबेले थीटाटा 360 डिग्री हबो सेतेबेले चापटे संपूर्ण वृत्त होइजिव चापटे संपूर्ण कोन होइजिव वृत्त होइजिव ताले वर्तमान आमे चापर दैर्घ्य केमिति निर्णय करबा पिला माने तमे गोटे कथा एथि लक्ष्य करिवो जे ए जो चापर दैर्घ्य को आमे एल नै परबा चापर दैर्घ्य को चापर दैर्घ्य को एल नै जे परबो बा एल नै जाय ताले चापर दैर्घ्य आउ से केन्द्र रे उत्पन्न करथुबा कोण आंक मध्ये गोटे संपर्क रहिछ से संपर्क ठो होछि कोण ना गोटे वृत्तर चापर दैर्घ्य आ वृत्तर परिधि ये दुटार अनुपात जदि नबा ता का सहित समान हम ना ए चाप केन्द्र उत्पन्न करथुबा कोण आ वृत्तर समुदाय कोण जोटा 360 डिग्री तार अनुपात सहित समान हम ताले से संपर्कटा को तुमको ये लिखा पड़ो सेटा होछि कोण ना वृत्तर जे कोनोसी
चापर दैर्घ्य बाय वृत्तर परिधि, वृत्तर परिधि इज इक्वल टू कौन हम ना चाप जी कोण करुचि चापर डिग्री परिमाप, चापर डिग्री परिमाप बाय वृत्तर डिग्री परिमाप। बुझ पाल पे ताल तमे एई अनुपातटा मन रखिबो जे चापर दैर्घ्य आउ वृत्तर परिधि ए दुटार अनुपात जहाँ हम ये चापटा केन्द्र उत्पन्न करुवा कोण आउ वृत्तर डिग्री परिमाप जोटा 360 डिग्री से दुटार अनुपात निश्चित सामान हम। ताल आम ये चापर दैर्घ्य को एल नहींचे बदल एल लिखा बाय वृत्तर परिधि तुम जाच पूर्व कौन कि पे टू पाई आर इज इक्वल टू कौन ना चापर डिग्री परिमाप ये केचे थीटा बाय चापर दैर्घ्य वृत्तर डिग्री परिमाप के जाचे 360 डिग्री कहीं ना मुझे लिखी थीटा जदि 360 डिग्री हुए तेज से हम कौन वृत्त होईपर आम कहीपर एल इज इक्वल टू यहाँ नहीं गुणीद थीटा बाय 360 इंटू टू बाय आर बाय टू काटिदे यहाँ हो एल इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाय आर यहाँ है चापर दैर्घ्यर सूत्र। चापर दैर्घ्य निर्णय करने एल इज इक्वल टू कौन है ना थीटा बाय 180 इंटू पाय आर थीटा है कौन ना से चापटा केन्द्र उत्पन्न करुवा कोणर परिमाण आर टाला वृत्तर व्यासार्ध ताले चापर दैर्घ्य हो थीटा बाय 180 इंटु पाई आर। बुझिपाल पे तेज यही सूत्र को व्यवहार करी विभिन्न प्रॉब्लम करी आउ गोटे कथा लक्ष्य करे पे ये आम जो चापर दैर्घ्य निर्णय कले आम आउ अन्य प्रकार बाहर करमी जनरल कथा तुम जानवे संपूर्ण वृत्ति हवापी वृत्तर परिधि है कौन ना टू पाई आर कि वृत्तर डिग्री परिमाप है के 360 डिग्री। ताल ये गोटे कथा लक्ष्य करा ये आम देखिले ये चापटा क्या डिपेंड कर चापर दैर्घ्यटा क्या डिपेंड कला ना वृत्तर से चापटा केन्द्र उत्पन्न करुवा कोणर परिमाण कोणटा जिते अधिक हम चापर दैर्घ्य से अधिक हम कोणटा जिते कमिज चापर दैर्घ्य से कम हम। ताल ये जदि जेनेल करवा टोटाल वृत्तपाई के 360 डिग्री ताल 360 डिग्री की वृत्तर परिधि है केते डिग्री पे टू पाई आर ताल एक डिग्री पे यहाँ चापर दैर्घ्य के टू पाई आर बाय 360 डिग्री होदि चापटा थीटा डिग्री कर थीटा डिग्री पे होते ना टू पाई आर बाय 360 इंटू थीटा होमती करदे आपको आम सरल कले या पाई कौन ना थीटा बाय 180 इंटू पाई आर से कथा जोटा एल एमती भी तुम बात कर। अच्छा ताहले वर्तमान ये सूत्र जाणीगला पर देख गोटे कथा ये आम थीटाटा जोटा नहींचे डिग्री एकक नहींचे ये थीटाटा ग्रेड हो पार रेडियन एकक तुम नहीं पार जो एकक अनुसार तार सूत्रटी बाहर तमर केवल डिग्री एकक अच्छी ये जान। अच्छा आउ गोटे कथा लक्ष्य कर ये एक्स बी जो चाप है ये चाप प्रांत बिंदु दीटा है किए ए बी ए बी को आम जदि केन्द्र बिंदु ओ सहित संजोग कले आम गोटे नूतन क्षेत्र पाईले से क्षेत्र किए ओ एक्स बी या यहाँ गोटे क्षेत्र पाईले ताल यू कौन कह वृत्त कला यू कह वृत्त कला वृत्त कला क्या कह एक्स बी ओ एक्स बी ये गोटे वृत्त कला वृत्त कला है कौन ना गोटे चाप एवं ये चापर प्रांत बिंदु द्वय को केन्द्र बिंदु सहित जोग कले जो नूतन क्षेत्र उत्पन्न है ताको आम कह गोटे वृत्त कला ताले ओ ए एक्स बी
एक वृत्त कड़ाए ताहले जेमती आम क्षुद्र चाप बृहत चाप जानी से वृत्त कला क्षुद्र वृत्त कला बृहत वृत्त कला हेपर केमी कोण से कोण अनुसार जदि चापटा क्षुद्र चाप हो ताहले वृत्त कलाटा क्षुद्र वृत्त कला हम जदि चापटा बृहत चाप हो वृत्त कलाटे कौन हो बृहत वृत्त कला हम ताहले वृत्त कलाटा का नहीं गठित होगा ना गोटे चाप एल आईटा व्यासार्ध टू आर ताहले वृत्त कलार परिसीमा कौन हो वृत्त कलार परिसीमा इज इक्वल टू एल प्लस टू आर एल प्लस टू आर जान लगे एल है चापर दैर्घ्य आर है व्यासार्ध तेणु एल प्लस टू आर है वृत्त कलार परिसीमा अच्छा ये गोटे सूत्र आपको मन रख आ गोटे कथा दिन वृत्त विषय कहबार टे भूली जाइए ये देख अर्धवृत्त यहाँ तुम जानते वृत्तर अर्ध को आम अर्धवृत्त कहवा वृत्तर अध को कौन कहो अर्धवृत्त ताहले यहाँ जदि केन्द्र बिंदु हुए ताहले अर्धवृत्तर परिधि वृत्तर परिधि है टू पाइया अर्धवृत्तर परिधि कौन हम पाइर हम कि आ गोटे कथा मन रखा पड़ो अर्धवृत्तर परिसीमा अर्धवृत्तर परिसीमा कौन हो ना यहाँ अर्ध परिधि ये दीटा व्यासार्ध मिसीगले पाइर प्लस टू आर बा आर कमन नहीं गले पाइ प्लस टू एक जानल पे अर्धवृत्तर परिसीमा हो कौन ना आर प्लस आर इंटू पाए प्लस टू यहाँ देख यहाँ है अर्धवृत्त तार परिधि है यहाँ परिधि पाइआर वृत्तर परिधिर अधा टू पाइआर अधा के पाइआर आर्धवृत्तर परिसीमा हो पाइआर ये टू आर दीटा मिसीगले पाइआर प्लस टू आर हो अच्छा ताहले एति सूत्र एक व्यवहार कर आम केतक प्रॉब्लम करिबा केतक गणित करिबा अच्छा पिले देख एक सेंटीमीटर व्यासार्ध आर देछे एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट चापर डिग्री परिमाप देछे 72 डिग्री थीटा देछि 72 डिग्री हेले चापर दैर्घ्य बाहर करे ताले थीटा देला आर देला चापर दैर्घ्य कौन एल एल इज इक्वल कौन हो ना थीटा बाय 180 इंटू पाई आर फॉर्मूला जानसे एक पाई मूल्य 22/7 नहीं पड़ो ताले एटा थीटा हला 72/108 इंटू पाई जाय लिखा 22/7 इंटू आर जाय लिखा 21 ताले एटा को सिंपलीफाई करले 7 × 3 = 21 सिंपलीफाई करिबा ताले एटा आसीबो 26.4 सेंटीमीटर बुझ पाल पे ये आर देखा 21 सेंटीमीटर थीटा देला 72 डिग्री ताले चापर दर्ज पचार था सीधा तुम सूत्रटा लिख एल इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाइआर मूल्य गुडाक बसई दबा थीटा जाए 72 बसइले 180 रहा इंटू पाई जाए 22/7 बसइले इंटू आर जगार 21 बसइला सिंपलीफाई कले आंसर आम आस 26.4 सेंटीमीटर आ गोटे देख गोटे वृत्तर व्यासार्ध के व्यासार्धटा पचार आर टा के वृत्तर 11 सेंटीमीटर परिमित चाप एल दे 11 सेंटीमीटर परिमित चाप र डिग्री परिमाप 10 डिग्री हम तुम थीटा दे 10 डिग्री ताले लक्ष्य कर आम तीन टा अनोन क्वांटिटी रोचे तीन टा किए ना गोटे है चापर दर्ज गोटे है डिग्री परिमाप थीटा आ गोटे है व्यासार्ध आर यही तीन टू जेकोसी ड्यूटी दे आम तृतीय बाहर करदे पारा ताल आमर आर एल थीटा मध्य एल आटार परिमाण दे आर टा बाहर करवा सिंपली तुम्हें से फर्मूलाटा आगे लिखिदि एल इज इक्वल टू
थीटा बाय 180 इनटू पाई आर ताले एबे हमें ए आर का जेतु बाहर करबा ताले आर इज इक्वल टू केते हिजबो ना एल इनटू 180 बाय थीटा इनटू पाई मूल्य बसै दबा एल जगह रे बसै दबा 11 इनटू 180 बाय थीटा जगह रे बसै 10 इनटू पाई हला 22 तो 7 ताले आके सिंपलीफाई कर दबो 11 इनटू 180 इनटू ए 7 का उपर पड़ैबो बाय केते ना 10 इनटू 22 ये जीरो को काटि दियो एटा को काटिले 2 आको काटिले 9 900 63 सेंटीमीटर ताले व्यासार्ध हेठे हमें केते पाई गेले 63 सेंटीमीटर आ खंडे देखो गोटे अर्धवृत्त उपरे अंक गोटे करचे जे 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्ताकार ताने गोटे अर्धवृत्तर व्यासार्ध आर देला 28 सेंटीमीटर ए 28 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट अर्धवृत्ताकार आबद्ध जमी को 12 द्वारा आबद्ध करिया पे एटा हला जमी टाको आबद्ध करिया ताने ता परिसीमा करिया पे मीटर प्रति 5 टंका 50 पैसा हिसाब रे केते खर्च ताले आगे हमर परिसीमा बाहर कर दो परिसीमा जानिचो कौन आर इंटू पाई प्लस टू से अनुसार आर एति मूल्य बसई देवा बसई के तार कौन करबे परिसीमा बाहर कर दो परिसीमा बाहर कला परे जति केला गोटे मीटर को 12 दवा पे 5 टका 50 पैसा खर्च होईची आर इंटू पाई प्लस टू परिसीमा तला आर जार बसे दा 28 पाई जार बसे 22 तो 7 प्लस 2 ताले इडा हे जीवो 28 इंटू 22 प्लस 7 गुण 14 बाय 4 ए 7 टा काटि दियो 4 हेला आकु मिसेले 22 14 हेला 36 14 केते 624 रे 4 नेला 2 4 भाग 14 144 सेंटीमीटर एति गेला तार कोन परिसीमा ता पर हमें बात करिया केते खर्च हो खर्च केते हो ना गोटे मीटर को खर्च होची 5 टका 50 ताले 144 मीटर को खर्च होबो 144 गुणन 5 टका 50 एटा जो 792 टका खर्च पिला मन बुझी पाललो ताले वर्तमान पई आमे एई सूत्र जानले चाकर दर्घ्य केमिति निर्णय होबो वृत्तकलार परिसीमा केमिति होबो जानले अर्धवृत्तर परिसीमा जानले आउ किछि गणित मध्य जानले तम पई मध्य किछि प्रश्न अछि तमे समस्ते करिबो आउ एगुड़िक सब भल भाव बुझी जाइए बोली मोर आशा आज ये धन्यवाद।